बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाने को लेकर मांग जोर पकड़ती जा रही है। बिहार बीजेपी की ओर से इसको लेकर बयान सामने आए थे। इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और गोपालगंज से सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी कहा है कि पार्टी चाहती है कि सीएम नीतीश कुमार ही राष्ट्रपति उम्मीदवार बने। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भागीरथ हैं नीतीश कुमार, उनके एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार चयन पर विचार होना चाहिए। जेडीयू की ओर से जिस तरह नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की मांग उठी है, उसके बाद चर्चा का दौर तेज हो गया है। इससे पहले बिहार बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी नीतीश को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए नीतीश कुमार के नाम की चर्चा होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देश बहुत बड़ा है, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। नीतीश कुमार अनुभवी हैं, उनका लंबा जीवन राजनीति और समाज के बीच बीता है। उनके नाम की चर्चा हो रही है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि अनेक नाम हैं, लेकिन जो भी एनडीए तय करेगा और जो भी एनडीए में है वो उनका समर्थन करेंगे, तब फैसला सामूहिक होगा। उनके इस बयान के बीच अब जेडीयू के दिग्गज नेता आलोक कुमार सुमन ने नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि जेडीयू चाहता है कि सीएम नीतीश ही राष्ट्रपति बने, एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार चयन पर विचार हो। यही नहीं, जेडीयू सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार 21वीं सदी के भागीरथ हैं। इधर आरजेडी ने भी नीतीश कुमार के राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चाओं पर टिप्पणी करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार वरिष्ठ नेता हैं और अनुभवी भी हैं। अगर बिहार का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो बिहार के लोगों को खुशी होगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भी शुभकामनाएं हैं। कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते देखना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनेंगे कैसे। बता दें कि आने वाले 18 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए मतदान होना है। 21 जुलाई को यह तय हो जाएगा कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। इस बीच फिलहाल अभी तक एनडीए ने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। Thank you.